इसमें दिए गए पार्ट्स में सबसे पहले दो साइड पैनल्स मिल जाते हैं जिसमें मार्किंग भी दी जाती है, दो बैक पैनल मिल जाते हैं और इसके ऊपर भी मार्किंग दी जाती है, एक लेफ्ट डोर दिया जाता है और एक राइट डोर दिया जाता है, एक सेल्फ पैनल भी दिया जाता है, एक टॉप पैनल दिया जाता है जो कि ऊपर से प्लेन और अंदर से इस तरह से ग्रूव्स होते हैं, और एक बॉटम पैनल भी दिया जाता है। आइए अब इसको असेंबल कैसे करना है जान लेते हैं। स्टेप वन में सबसे पहले बॉटम पैनल को आप दिए गए हरे पट्टी को सामने की साइड रख लें। स्टेप टू में आप बैक पैनल को फिक्स कर लें। तो बैक पैनल में ध्यान रखना है कि हॉलो सरफेस को बाहर की साइड रखना है और प्लेन सरफेस को अंदर रखना है। इसी तरह से लेफ्ट बैक पैनल को भी फिक्स कर लेंगे। स्टेप थ्री में आसानी से हम साइड पैनल्स को फिक्स कर लेंगे। साइड पैनल्स के ऊपर इसकी मार्किंग दी गई है, तो साइड पैनल्स में प्लेन सरफेस को हमें बाहर की साइड रखना है और हॉलो सरफेस को अंदर की साइड रख के फिक्स कर लेना है। इसी तरह से राइट साइड पैनल को भी हम फिक्स कर लेंगे। अब दिए गए टॉप पैनल को हम फिक्स कर लेंगे। हरी पट्टी को सामने की साइड रखना है और सबसे पहले पीछे के साइड उसे पुश करके हम फिक्स कर देंगे और आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे ताकि डोर लगाने में आसानी हो। अब दिए गए लेफ्ट और राइट डोर को हम पहले नीचे के साइड से ग्रूव्स को फिक्स करेंगे, फिर ऊपर छोड़े हुए स्पेस में उसे फिक्स कर देंगे। इसी तरह से लेफ्ट डोर को भी फिक्स कर लेंगे। स्टेप सिक्स में दिए गए शेल्फ पैनल को हम अंदर फिक्स कर लेंगे। इसे लगाना बहुत ही आसान है, अपनी हाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेलो नोवेल्टी कॉम्पैक्ट स्टोरेज कबर्ड की असेंबलिंग कर सकते हैं।